सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। को बता दें कि सीरीज के पहले मुकाबले को तो भारतीय टीम जीत ही चुकी है और अब दूसरा टेस्ट मैच 22 से 26 तारीख तक कोलकाता में खेला जाना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह बता दें कि यह मुकाबला अपने आप में ही रोमांचक है क्योंकि भारतीय टीम के इतिहास में आज तक भारतीय टीम ने एक बार भी डे नाइट टेस्ट मैच नहीं खेला है। लेकिन यह टेस्ट मैच न सिर्फ डे नाइट टेस्ट मुकाबला होगा बल्कि इसमें पिंक गेंद का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों यह एक बेहद ही खास किस्म की गेंद है और भारतीय टीम के गेंदबाजों को इस गेंद के साथ खेलता हुआ देखने के लिए दर्शकों में और भी ज्यादा रोमांच है। लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांच है तो वह दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि प्लेइंग 11 में तीन बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और खास तौर पर कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है जो कि इस समय भारतीय टीम के बेंच पर बैठे हैं। केवल इसी टेस्ट सीरीज में नहीं बल्कि यह खिलाड़ी तो भारतीय टीम पहले काफी लंबे अरसे से हिस्सा रहे हैं लेकिन इन खिलाड़ियों को अब तक मौका नहीं दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच में सबसे पहला बदलाव हो सकता है चेतेश्वर पुजारा को लेकर। इस बात में कोई शक नहीं कि चेतेश्वर पुजारा ही वह बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने हमेशा टेस्ट टीम के लिए रन बनाए हैं। ऐसा शानदार बल्लेबाज शायद ही आगे भारतीय टीम को मिलेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है टीम के मिडिल ऑर्डर में एक युवा खिलाड़ी को आजमाने का। दोस्तों आपको बता दें कि यह युवा बल्लेबाज और कोई नहीं बल्कि शुभमन गिल के रूप में होंगे। जी हां, शुभमन गिल भी टीम का हिस्सा है लेकिन काफी लंबे अरसे से टेस्ट टीम का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अब तक एक भी मौका नहीं दिया गया खेलने का। इसके बावजूद के शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज दौरे पर इंडिया की टीम की तरफ से दोहरी शतकियां पारी खेल दी थी। आपको बता दें कि ओडीआई सीरीज में तो वह सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज ही बने थे अपनी टीम की तरफ से। केवल इतना ही नहीं, शुभमन गिल लगातार निरंतर हर टूर्नामेंट में बड़े रन लगा रहे हैं। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली उन्हें मौका दे सकते हैं क्योंकि यह इस साल का आखिरी टेस्ट मैच भी होगा। दोस्तों दूसरा और एक और बड़ा बदलाव हो सकता है भारतीय टीम के विकेट कीपर को लेकर। पिछले टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से रिद्धिमान साहा को ही खेलने के मौके दिए गए थे। इस बार भी पहले टेस्ट मैच में रिद्धिमान साहा ही टीम का हिस्सा रहे, बशर्ते इस बात के ऋषभ पंत भी टीम का हिस्सा है लेकिन उन्हें टेस्ट सीरीज में मौके नहीं दिए जा रहे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली टेस्ट सीरीज में भी और इस बार के पहले टेस्ट मैच में रिद्धिमान साहा की बल्लेबाजी उतनी कुछ खास नहीं रही। इंजरी के बाद रिद्धिमान साहा का टेस्ट क्रिकेट में यह एक नया सफर शुरू जरूर हुआ है लेकिन अगर उनका प्रदर्शन कुछ इसी तरीके का रहा तो दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत आप सभी को खेलते हुए दिख सकते हैं। तीसरा और एक और माइनर बदलाव हो सकता है भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। दोस्तों क्योंकि कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा है और वह भी काफी लंबे अरसे से। ऐसे में रविचंद्र अश्विन जिन्हें पिछले मुकाबले में शोल्डर का पेन हुआ था उनकी जगह शायद आप सभी को कुलदीप यादव खेलते हुए दिख सकते हैं। कुलदीप यादव बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज है और घरेलू टूर्नामेंट में इस साल उनका प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर है। चलिए दोस्तों फटाफट से आपको बताते हैं कि तीन बड़े बदलावों के साथ क्या हो सकती है टीम की प्लेइंग 11। टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा व मयंक अग्रवाल। इसी के साथ साथ टीम के मिडिल ऑर्डर को अब संभालेंगे कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल व ऋषभ पंत। वहीं टीम में ऑलराउंडर की भूमिका को निभाते हुए दिखेंगे रविंद्र जडेजा और स्पिन गेंदबाजी में उनका हाथ बटाएंगे कुलदीप यादव। इस गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा व उमेश यादव। दोस्तों वैसे तो भारतीय टीम का जीतना लगभग तय है लेकिन आप सभी को क्या लगता है दूसरे टेस्ट मैच के लिए क्या युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहिए नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस समय एक तरफ जहां भारत देश में भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है तो वहीं दुबई में T10 लीग खेली जा रही है। इस रोमांचक व छोटी लीग के सभी मुकाबले महज 10 ओवर्स के होते हैं। आप सभी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब T20 लीग इतनी ज्यादा रोमांचक होती है T10 लीग में तो मुकाबले और भी छोटे होते हैं, ऐसे में उन्हें देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। साथ ही आपको बता दें कि इस लीग में युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि मराठा अरबियंस की टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा खास बात तो यह है कि बल्लेबाजी के दौरान युवराज सिंह ने लगातार दो गेंदों पर दो छक्के जड़कर 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और ऐसा करके उन्होंने सबके होश उड़ा कर रख दिए। यह पूरा वाक्य जब इस लीग के ग्रुप बी में नौवां मुकाबला खेला जा रहा था, इस दौरान मराठा अरबियंस की टीम कलंदर से भिड़ रही थी। मराठा अरबियंस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते हुए टीम की सलामी जोड़ी बेहद ही जल्द पवेलियन की तरफ लौट गई। लेकिन जैसे ही युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने पूरे मुकाबले का माहौल ही
बदल कर रख दिया। मराठा अराबियंस की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो पारी के पांचवें ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज सुल्तान अहमद ने क्रिस लिन को आउट कर दिया था, लेकिन अब जैसे युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई और यह छक्का हो गया। लेकिन दोस्तों अभी तो युवराज सिंह द्वारा एक और छक्का लगाना बाकी था और वह भी अगली ही गेंद पर। आपको बता दें कि अगली गेंद पर तो युवराज सिंह ने अपना ट्रेडमार्क शॉट मार दिया, गेंद लेग साइड की तरफ सीधा जाकर गिरी बाउंड्री के बाहर और यह फिर लगातार इसी ओवर में दूसरा छक्का हो गया। आपको बता दें कि फिर इस मुकाबले में युवराज सिंह ने 6 गेंदें खेलकर 14 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। अब यह स्कोर तो कुछ ज्यादा नहीं है, परंतु युवराज सिंह द्वारा लगाए गए यह 2 लगातार छक्के देखकर मैदान में उनके फैंस खुशी से झूम उठे थे। दोस्तों फिलहाल अगर युवराज सिंह की फॉर्म की बात करी जाए तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि युवराज सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तो संन्यास ले चुके हैं। अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस की टीम ने युवराज सिंह को रिलीज भी कर दिया है। ऐसे में युवराज सिंह आईपीएल 2020 की ऑक्शन का भी हिस्सा रहेंगे, यह बात तो साफ है। जब मुंबई की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है तो सभी टीम्स के पास मौका रहेगा युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल करने का। युवराज सिंह हाल ही में घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जब वह ग्लोबल T20 लीग खेलने के लिए कनाडा पहुंचे तो वहां भी उनका प्रदर्शन देखने वाला था। युवराज सिंह ने कनाडा में भी अपनी टीम की तरफ से लंबे लंबे छक्के जड़े थे और अब T10 लीग में भी उन्होंने यह 2 छक्के मारकर सबको अपनी बेहतरीन फॉर्म का प्रोमो तो दे दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि क्या आईपीएल 2020 में आप सभी को युवराज सिंह किसी टीम की तरफ से खेलते हुए भी दिखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अब यह देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि युवराज सिंह आने वाले कुछ महीनों में अपनी फॉर्म को कितना और बेहतर करेंगे और कौन सी टीम युवराज सिंह पर दाव लगाती हुई दिख सकती है। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, अगर युवराज सिंह फॉर्म में बेहतर हो जाते हैं तो किस टीम की तरफ से उन्हें आईपीएल 2020 में खेलने का मौका मिलना चाहिए? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में इस समय 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम की जीत 2-0 से लगभग तय मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले को 130 रन व पारी के बड़े अंतर से जीता है और अब दूसरे मैच को जीतने में भी भारतीय टीम को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें कि दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है 22 से 26 तारीख तक कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जल्दी भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में एक रोमांचक 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में 2 ऐसे बड़े बदलाव किए जा सकते हैं जिनका इंतजार शायद भारतीय टीम के फैंस काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल भारत में ही है। वह अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ पहले ODI सीरीज खेल चुकी है जिसमें वह 4-1 से जीत भी हासिल कर चुकी है, तो वहीं T20 सीरीज में अफगानिस्तान की टीम ने बाजी मार ली और अब दोनों ही टीमों के बीच में टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज को एक बार फिर से भारत में ही अब भारतीय टीम का सामना करना होगा। इस बार भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में एक T20 व ODI सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 दिसंबर को मुंबई में खेला जाना है और उसके बाद यह सीरीज 15 तारीख तक चलेगी। जैसा कि इस समय T20 वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए भारतीय टीम के चयनकर्ता युवा खिलाड़ी को मौके दे रहे हैं, तो इस बार की T20 सीरीज में अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर बड़े बदलाव होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दोस्तों सबसे पहला बदलाव तो हो सकता है टीम की कप्तानी को लेकर। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के बाद भी लगातार हर सीरीज में कप्तान विराट कोहली एक्टिवली भारतीय टीम के कप्तान बने रहे हैं। अब सीरीज वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो नहीं है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि साल 2020 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जैसी टीमों का भी सामना करना है। ऐसे में कप्तान विराट कोहली को चयनकर्ता इस सीरीज के लिए आराम दे सकते हैं और उनकी जगह कप्तानी सौंपी जा सकती है रोहित शर्मा को। दोस्तों ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ, कई दफा रोहित शर्मा को T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है और रिजल्ट आप सभी के सामने है। लगभग हर T20 सीरीज में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के अंडर भारतीय टीम को जिताया है और अगर इस बार भी रोहित शर्मा को जगह दी जाती है तो वह भारतीय टीम को जरूर जिता पाएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज गई और उसके बाद भारत में आकर साउथ अफ्रीकी व बांग्लादेश की टीम से भिड़ी, तो इन तीनों ही सीरीज के दौरान महेंद्र सिंह धोनी टीम का हिस्सा नहीं थे, केवल ऋषभ पंत को ही मौके दिए गए T20 व ODI में विकेट कीपिंग संभालने के लिए, लेकिन नतीजा उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे से पहले महेंद्र सिंह धोनी के अनअवेलेबल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। शायद इस बात की पुष्टि की जाए कि धोनी टीम में वापस आ जाएंगे और इस T20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय टीम की विकेट कीपिंग करते हुए दिख सकते हैं। परंतु अब यह देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि BCCI के चयनकर्ता व नए प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली दो बड़े बदलावों पर कितना जोर डालते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी को टीम में वापस से लाना चाहिए नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश
की टीम के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम तेजी से जीत की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि पहले मुकाबले को भारतीय टीम एक पारी व 130 रनों के बड़े अंतर से जीत पाई, जिसके बलबूते पर भारतीय टीम ने इस दो मुकाबलों की सीरीज में ही 1-0 की बढ़त को हासिल कर लिया है। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 से 26 तारीख को कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान में खेला जाना है। उससे भी ज्यादा रोमांचक बात तो यह है कि एक डे नाइट टेस्ट मैच है और इस मुकाबले में पिंक गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। उससे भी ज्यादा रोमांचक बात तो यह है कि आज तक भारत में डे नाइट टेस्ट मैच भारतीय टीम ने नहीं खेला है। यह सब कुछ हो रहा है सौरव गांगुली की प्रेसिडेंसी में। आपको बता दें कि सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिन्होंने इस मुकाबले को मंजूरी दी थी।